ये आई बी एम टी 2010 का क्वेश्चन है, मोस्ट एस डी के अमंग फॉलोइंग पूछा था, कौन सबसे ज़्यादा एस डी है। ठीक है, तो अगर हम एस डी टी का कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है एस डी टी, कभी भी निकालने के लिए ना आप क्या देखते हो, एस डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट, कंजुगेट बेस, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी उतना हमारा एस डी की स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, एस डी टी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, आप मोस्ट एस डी कैच प्लस निकाल दो, यहाँ से निकाल दो ये माइनस आएगा, यहाँ से निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से निकालोगे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से निकालोगे यहाँ माइनस आएगा। कंजुगेट बेस कैसे बनता है, एच प्लस निकाल के, एच प्लस कहाँ से निकलता है, मोस्ट एस डी एच प्लस। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन मोस्ट एस डी है, तो उसको निकाल दिया हम सब में काम। ठीक है, अब ये कार्बन आयन बन गया, अब आप ये भी कह सकते हो एस डी टी, ये भी कह सकते हो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। ठीक है ना, ये इसी कंजुगेट बेस किसके इक्वल होता है, कार्बन आयन। ठीक है ना, देख लो, देख रहे हो ये एच प्लस निकालने के बाद कार्बन आयन ही बन रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो। तो देखो, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, किसी के द्वारा नहीं। ठीक है ना, सिंपल। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, बना के देख लो अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो स्टेबल होगा। देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्या है उसके साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा की कोई खास स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ओपन करके, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे रेजोनेंस जा रहा है, ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करेगा मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे तो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो अगर मोस्ट एस डी का बात करें ना तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन जो है स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हियर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, दैट्स व्हाई इट इज मोर, दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, सो इजली वी कैन से द मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मोर इज द एस डी स्ट्रेंथ, सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।